स्वरूप कन्या आज प्राप्त की है। जानकी जी बड़ी होती जा रही है। एक दिन आप जानते हैं जब बेटी बड़ी होती है माँ के साथ घर में कार्य कराती है। जानकी जी मैया के साथ घर में काम करा रही थी तो क्या देखा, महात्मा दधीच की हड्डियों का बनाया हुआ धनुष रखा है, उसे उठाया और क्या किया है, श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतक दिखलाया। दरबार में तुरंत पहुंच करके राजा ने वचन सुनायो उठाया। ऐसे शादी नहीं करेंगे, स्वयंवर करेंगे, जो राजा महाराजा आएंगे जो धनुष तोड़े भाई के संग शादी करेंगे। जिस महावीर की महाशक्ति जो धनवा तोड़ गिराएगी बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। क्या बात, महाराज जनक ने मन में सोचा शादी ऐसे नहीं करेंगे, स्वयंवर करेंगे। चारों तरफ पत्र भिजवाए, जब वही समय आया है बेटी का उचित समय देखा विवाह के लिए, बेटी के लिए चारों तरफ पत्र भिजवाए, यज्ञ किया अपने और जो धनुष तोड़े भाई के संग शादी करेंगे। भैया बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं, भगवान श्री राम भी चले गुरुदेव के साथ, हम भी चलेंगे जनकपुर देखेंगे कैसा स्वयंवर है। चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई। चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई। चले और सर्व अरे तीज पार की पूरण मासी, अरे तीज पार की अरे पूरण मासी, अरे जाद न चले अवधपुर वासी, अरे जाद न चले अवधपुर वासी, अल्लाह जय हो खुशी दिल में छाई, जय हो खुशी दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई। खुशी दिल में छाई पहुंचे फूल बाग में जाई, विश्वामित्र गुरु के विश्वामित्र गुरु के
समझ आई गए हो। अरे कहीं गुरु समझ आई पहुंचे फूल बाग में जाई कहे गुरु समझ आई पहुंचे फूल बाग में जाई कहे गुरु समझ आई पहुंचे फूल बाग में जाई। हम लोग भी चल रहे तो आज जनकपुर के लिए प्रस्थान कर दिया। रास्ते में क्या देखा भगवान राम ने, एक पत्थर की शिला पड़ी है। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये क्या है, बोले ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। ठीक है, ध्यान देंगे। इसी के साथ में ये 1100 रुपए का सम्मान श्री श्याम सुंदर आड़तिया जी और इनके सुपुत्र श्री गोविंद आड़तिया लाखापुर वाले। अच्छा, लाखापुर नवीन मंडी इटावा, जय हो। वहाँ तो हमारे गुरु भाई लोग भी रहते हैं। चारों भाभियाँ भैया तो अभी चारों लोग आ गए थे। 501 रुपए रमेश आड़तिया नंगला बली नंगला बरी, तो ये दद्दा हमारे भी 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं रमेश आड़तिया। तो हमारे लिए पिता तुल्य हैं आप लोग, ये बड़े बुजुर्ग जो मेरा आदर कर रहे सम्मान कर रहे, मैं सदा इनसे आशीर्वाद की कामना करेंगे। आपकी बेटी हैं ये 1050 रुपए जो हैं कमलेश नेताजी लाखापुर। लाखापुर में तो हमारे गुरुदेव जी आए हैं घूमने। जो हमारे गुरुदेव जी का जो महामंत्र हम आप लोगों को रोज बता रहे हैं, कुंवर श्री रविराधे जी कानपुर से जो हमारे गुरुदेव जो है लाखापुर में बहुत आते हैं, लोगों को पता होगा आए ना, जय हो। तो हमें बहुत अच्छा लगा तुम लोग आए, क्योंकि जब कोई गुरु भाई आता है ना तो बड़ी खुशी होती है। ये लोग जानते हैं हमारे गुरुदेव जी को, क्योंकि मैं कोई साधारण नहीं, एक आध्यात्मिक मेरे गुरुदेव जो है उन्हीं के बारे में आपको नित्य बताते आ रहे हैं। और ये जो महामंत्र भी है ना, ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, ये उनके द्वारा ही दिया हुआ महामंत्र है हम सबके कल्याण के लिए। हमारे परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी महाराज जो गुरुदेव है, और समस्त स्टाफ को भी 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं बड़े बुजुर्गों से सदा आशीर्वाद की कामना करेंगे। सदा जोरदार ताली तो बजाई दे, आशीर्वाद तो हम ले ही रहे। और का बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और ये महामंत्र कैसे समाया देखो, ओम नाम परमात्मा, परमात्मा भगवान राम, और राम कहाँ जा रहे हैं, मिथिलापुरी। काहे के लिए, अपनी श्री को लाने। श्री के कई अर्थ होते हैं, श्री जो तिलक धारण करते ये भी श्री है, एक श्री मांग सिंदूर भरती है माताएं वो भी श्री है, एक श्री सम्मान सूचक, और एक श्री माता लक्ष्मी, इधर माता जानकी। तो कहते ना, और किसी का नाम जब होता है ना लेते हम लोग श्री श्री 1008, या कोई पिता का नाम पूछे श्री फलाने सिंह, सम्मान सूचक शब्द भी है ये। तो आ जाइए आज ओम नाम परमात्मा भगवान राम श्री को लेने मिथिलापुरी गए हैं। बीच में गौतम की पत्नी अहिल्या जो पत्थर की शिला बनी पड़ी है, राम जी ने पूछा गुरुदेव ये क्या, बोले ये श्राप से पत्थर की हो गई, गौतम की पत्नी है और बहुत दिन से इंतजार करनी है इनको, कल्याण करो। तो कहते हैं आज ब्रह्मरूपी राम ने, यानी राम है चेतन, अहिल्या है जड़, तो आज चेतन राम ने उस अहिल्या जड़ से जब स्पर्श किया है तो ध्यान रखना जड़ भी चेतन में परिवर्तन हो गई। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में गुरु यदि करो तो चेतन करो, चेतन जो तुम्हें भी चेतन कर सके।
हाट के गुरु बाट के चेला जाए नरक में ठेल में ठेला। गुरु चेला में धक्का, चेला गुरु में धक्का दे रहे। क्या कह रहे? इधर बगल में आके बता दो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो इसलिए जीवन में गुरु चेतन होना चाहिए। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि हमें इस उम्र में हमारे अध्यात्म गुरुदेव तो हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम सद्य कुंवर श्री रविराधे जी जो है उनका जो विशेष सानिध्य हमें मिला, विशेष आशीर्वाद मिला, मैं तो चाहती कि आप सबको मिले। हाँ, और जरूर मौका मिले तो छोड़ना नहीं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अहिल्या का तारण तरण किया भगवान राम आगे बढ़े। गुरुदेव ने कहा संध्या का समय है, जाओ थोड़ा सा बगीचा से फूल तोड़ के लाओ और हम लोग यही संध्या वंदन करेंगे, फिर देखेंगे सुबह कैसा है जनकपुर में धनुष कैसा रखा। भगवान श्री राम चले उधर, सीता जी सहेलियों के साथ में चली हैं फूल लेने। जानकी और फूल बाग में आई और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन गौराई। सखियन को संग जानकी अरे फूल बाग में आई और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। चतुर सहेली सीता जी के राजी, एक चतुर सहेली सीता जी के और पास राम के आई और देख राम को चतुर सहेली लौट भाजती आई। मेरे सज्जनों, इधर राम जी बगीचा में गए हैं और उधर सीता जी आई और एक सहेली बिछुड़ी। कह रहे पुरानी कथा सुना तो सुन लियो। तो राम जी के दर्शन जैसे उस सखी ने पाए और जैसे ही उसने देखा आहा गदगद हो गई, राम का दर्शन कर गई, प्रसन्न होके चल दी। और जैसे ही सीता जी से भेंट हुई तो बोली कहा बात है बड़ी खुश है, हाँ क्या मिल गया? बोली बहना कछु मत पूछ, आज तो वो छवि देखने को मिली जो जीवन से तरस रहे जिसके लिए। हाँ, तो राम की छवि को बता रही है और कहती है